हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर 2307 में आपका बड़े दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले इंदस टावर के बारे में। इंदस टावर से अभी देख सकते हो कि कहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब से ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है तब से एक अपर हाई लिमिट में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार इस हफ्ते में लगातार आपका पॉजिटिव रहा है, पॉजिटिव रहा है। तो अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो मेन सपोर्ट क्या रहने वाला है? मेन सपोर्ट रहने वाला है 202 का। अभी 212 पे ट्रेड करता हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 202 का, क्योंकि ये जो रेंज है ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो आपका यहाँ से और भी पॉसिबिलिटी है आगे जाने का। तो 230 का टारगेट मेरे ख्याल से देखने को मिल सकता है फेब्रवरी लास्ट तक। तो 230 का टारगेट फेब्रवरी लास्ट तक आपको ये देखने को मिल सकता है इन द सिन टावर का। और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट और कामकाज कर रहा है। तो टेक्निकल लेवल जैसे RSI या MFI थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक फिर से एक अप ट्रेंड ही कंटिन्यू करने वाला है। तो अभी देख सकते हो कि RSI एंड MFI जो है स्टॉक का आपका थोड़ा बढ़ गया है और मोर देन 68% हो चुका है। तो टेक्निकली ओवरबॉट जोन में चला गया है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ हो सकता है, उसके बाद फिर से एक अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिलेगा। तो इनिशियल में अगर ये भी सपोर्ट का काम करेगा, 208 भी सपोर्ट का ही काम करेगा, लेकिन 230 के आसपास आपका टारगेट प्राइस निकल कर आ रहा है फेब्रवरी लास्ट तक। बाई एंड सेलिंग का कोई एडवाइस नहीं है, आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही बाइंग एंड सेलिंग करना। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आप ही का चैनल है मनी मेकर 2307। थैंक्स फॉर वॉचिंग।